तो एमपी दिन भर में सबसे पहले महासंग्राम की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 8 मंत्रियों की टेंशन इसके चलते बढ़ी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि 5वीं लिस्ट में टिकट मिल सकता है, लेकिन इसे लेकर सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चौथी सूची में कई मंत्रियों को टिकट मिल गया है, लेकिन 8 ऐसे मंत्री हैं जिनकी टेंशन बढ़ गई है। सुरेश धाकड़, रामखेलावन पटेल, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार, गौरीशंकर बिसेन, इनकी धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की 5वीं सूची बेहद अहम होगी। इधर मंत्रियों के टिकट को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस पर आलाकमान फैसला लेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनावी समय में चुनावी रीति रणनीति तहत काम करती है, तो ये संगठन का निर्णय है कि कब किस क्षेत्र पर हमको भारतीय जनता पार्टी का कमल का प्रत्याशी मैदान में उतारना है, तो किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये संगठन के विषय संगठन के स्तर पर निर्धारित होते हैं। तो जिनका नाम सूची में नहीं है तो ये अनुमान लगाना कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा अभी सिर्फ अनुमान मात्र है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी किसे टिकट दे रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के किसे टिकट मिले उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो इसको कैसे दबोचना है, हम दबोचेंगे। 9 के काटे, 10 के काटे, 20 के काटे, 9 के रोके, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें इन सबको दबोचना है। बीजेपी में 8 मंत्रियों के साथ ही टिकट की टेंशन कई उम्मीदवारों को होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस मुश्किल से कांग्रेस नहीं जूझ रही। दावेदारों की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी किस पर भरोसा जताती है ये जल्द साफ हो जाएगा। और इधर श्राद्ध पक्ष में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करने को लेकर सियासत गर्म है। पितृपक्ष में बीजेपी की सूची जारी होने पर पीसी शर्मा ने तंज कसा कि पुरखों को बाद में ही याद किया जाता है। वहीं श्राद्ध पक्ष में उम्मीदवारों की सूची को लेकर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के तो पितर ही लापता है, उन्हें अपने पितरों पर भरोसा नहीं। एक हफ्ते में हम जारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मैं बहुत याद आऊंगा, तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊंगा। ये पुरखों को बाद में याद करते हैं ना, चले जाते हैं। तो ये भी कौन, ये अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। देवो भवा, पितृ देवता होते हैं जो हमारे माता पिता, दादा परदादा, परनाना परनानी, ये हमारे देवता हैं। यही तो हमारा भला चाहेंगे, यही तो हमारी पैरवी करते हैं देवों के द्वार पर। हमें अपने पितरों पर भरोसा, जिनके पितृ ही लापता है उनको क्या भरोसा होगा, वो अपने पितृ ढूंढे, हमारे पितरों को भरोसा है। इधर शहडोल के ब्योहारी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि एमपी में सरकार आते ही हम पहला काम करेंगे जातिगत जनगणना, कांग्रेस आपको आपका हक देगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं, ये उन्होंने कहा है। महिलाओं को 1500 देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, आदिवासियों का तेंदुपत्ता 4000 मिलेंगे। कमलनाथ ने भी बीजेपी पर तगड़ा हमला किया। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर आपसे जमीन छीनी, जोबट में, मंडला में, डिंडोरी में, सिंगरौली में भी धरना की आप खड़े हो गए। आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा जैसा सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था,
चौपट अर्थव्यवस्था, कहां कहां मैं जाऊं। इधर शहडोल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे पर राज्यसभा सांसद है सुमेर सोलंकी, उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को अंग्रेजों जैसी मानसिकता वाला बताया। सोलंकी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो पिछले 60 साल से देश में फूट डालकर शासन कर रहे हैं। राहुल गांधी शहडोल में आदिवासी वनवासी जनजाति को लेकर भ्रम फैलाने आए थे। हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों के साथ मध्य प्रदेश के गरीब भाइयों और बहनों को सिर्फ झूठा लालीपॉप देकर झूठी घोषणाएं करके भ्रमित करने का काम किया। आज राहुल गांधी ने भी शहडोल में वही किया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आप समझ चुकी है, कांग्रेस के फूट डालो और शासन करो की दुकान अब नहीं चलने वाली है। इधर खंडवा में मंत्री विजय शाह और खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। दरअसल हरसूद से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसे लेकर दिव्यांगजनों ने FIR दर्ज करने की मांग की। वहीं खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा की जाति का मुद्दा एक बार फिर उछला है। SP ऑफिस में दिए गए आवेदन में कहा गया कि विधायक देवेंद्र वर्मा मूलतः जाट है, लेकिन सिलावट बनकर लाभ ले रहे हैं। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का हक छीना जा रहा है। तुम तो भूत वाला आदमी मेरे जिम्मे कर दो और भूल जाओ भूत को, मुझसे बड़ा भूत कोई नहीं। अब वही काम करूंगा मैं चुनाव के बाद, अगर जिताओगे तो उन्हें तो मत जिताना। अब मैं मिलूंगा सिर्फ भूतों से और लंगड़े लुल्लों से, अपंगों से, विकलांगों से, दिव्यांगों से, दोनों की सेवा करना। तुमको बुरा लगे तो 10 बार लग जाएगा। अच्छा, दिव्यांग तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हम लोग दिव्यांग है, हम 6 संगठन वाले हैं और 6 संगठन से मिल के हम लोग यहाँ पे SP ऑफिस पे आए हुए हैं। हमारे खिलाफ जो हमारे कुछ अपशब्द मंत्री विजय शाह जी ने जो बोला है उसके खिलाफ हम FIR चाह रहे थे। उस FIR के यहाँ दर्ज कराने के लिए हम लोग सारे दिव्यांग लोग आए हैं। हम लोग जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने अपना जाति प्रमाण पत्र सिलावट जाति का बनाया हुआ है, उसके खिलाफ आवेदन प्रस्तुत करने एवं उसकी जाँच पुख्ता डॉक्यूमेंट्स पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में जमा करके FIR की हम लोगों ने मांग की है। और हमारे पास सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इनके पिताजी द्वारा जाट जाति को काट के उसको सिलावट किया गया। 3 तारीख को ऐसा उनका आरोप लगा है कि 3 तारीख को माननीय क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी ने वहाँ पर फ़ोन करके और एक मंच पर बैठे हुए स्थिति में उन्होंने कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं जो अपमानजनक दिव्यांग बालकों को लगे हैं, उनके संगठन को लगे हैं। पर उन वीडियो की जांच करना आवश्यक है और उन्होंने किस तरतम्य में बोला है उसकी जाँच करना आवश्यक है। नर्मदापुरम जिले की सुहागपुर विधानसभा से BJP ने विजयपाल सिंह को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। विधायक सुहागपुर विजयपाल सिंह पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने टिकट दिया है। विजयपाल यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। टिकट फाइनल होने के बाद विजयपाल सिंह ने पार्टी और जनता का आभार जताया और यह भी कहा कि वो अपनी विधानसभा को मंडप की तरह सजाने का काम करेंगे। मेरी क्षेत्र की जनता को बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा और प्रदेश नेतृत्व को भी साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि जनता के आशीर्वाद से उन्होंने पुनः चौथी बार मुझे जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। मैंने सड़क बिजली पानी से विधानसभा क्षेत्र को मुक्त किया है। पहली प्राथमिकता जो उद्योग के लिए मैंने जमीन संग्रहित कराई है, आरक्षित कराई है, उसको उद्योगों की स्थापना इस पंचवर्षीय में लगे और क्षेत्र की जनता को रोजगार मिले। क्षेत्र की जनता को मिलेगा तो व्यापार को भी रोजगार मिलने का अवसर खुलेंगे, ये मेरा एक संकल्प होगा। और जैसे कहते हैं कि मंडप बनाते हैं तो जब मंडप बनने के बाद उसको सजाने का काम करते हैं। अभी 15 साल में मैंने विधानसभा को मंडप के रूप में समर्पित की है, अब उस मंडप को सजाने की बारी है कि उस विधानसभा को और सुंदर व्यवस्थित बनाने का काम मैं अगले पंचवर्षीय योजना में कर। और चुनाव आते ही नेताओं का एक दूसरे पर टिप्पणी करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, कभी व्यंग्यात्मक कभी उग्र टिप्पणी सामने आती है। इसी तरह का मामला अशोकनगर में भी सामने आया। कांग्रेस के एक विधायक गोपाल सिंह चौहान ने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर निशाना साधा, टिप्पणी की थी। उसी के जवाब में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
और पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने गोपाल चौहान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा किसी को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंधिया भाजपा की बूथ समिति संवाद कार्यक्रम में शामिल होने चंदेरी पहुंचे हुए थे। इस दौरान सिंधिया ने चंदेरी से कांग्रेस के विधायक गोपाल सिंह पर पलटवार किया। मुझे अपने काम से मतलब है, आप लोगों से मतलब है, क्षेत्र की जनता के साथ मतलब है और विकास प्रगति के साथ मतलब है। एक बार मैं जरूर कहूँ, जब अहंकार चढ़ जाता है तब भगवान ही साक्षी है कि ऐसे लोगों का क्या होता है। विनाशकाली नहीं विपरीत बुद्धि, उनको समय आ चुका है और ये तो पता चलेगा चुनाव में उनको कि आपको कौन जीता था और कौन के आशीर्वाद से आप जीतते थे और किसके नाम पर जीतते थे। अब ये पता इस चुनाव में चल जाएगा उनको, और ये गलत फहमी है। और आदमी को इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी ने नहीं जिताया, मतलब मैं अपनी दम पर जीता हूँ। कम से कम उस जनता का तो धन्यवाद दे रही कि जिस जनता ने जिताया। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने अफवाहों का खंडन किया है। इसमें कहा जा रहा है कि दिमनी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से वो मिल जाएंगे। उनका कहना है कि इन अफवाहों के पीछे बीजेपी का हाथ है, वो मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर को 50,000 वोटों से करारी शिकस्त देंगे। और इतवार के दिन जनता दरबार लगाता हूं, इतना मिशनरी टाइप में काम करता हूं कि जनता हमारा परिवार है और हम जनता के परिवार के हैं, इसलिए दिमनी में भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर होंगे। जानते हैं रविंद्र सिंह बड़ौसा है, वहां चंबल का शेर है और वो जमीन पर खड़ा है, बुरिया बिस्तर गाड़ी में रख करके घूमता है, जिस घर में पहुंचता वही अपना परिवार मानता है उसको, सूखी रोटी खा करके राजनीति कर रहा है, ईमानदार है, सच्चा है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही ग्वालियर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर चौकसी है। इसके साथ ही पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मंगलवार रात शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाले गए। 6-6 थानों का पुलिस बल, QRT और एडिशनल SP इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों में सुरक्षा का एहसास आए। जैसा ग्वालियर पुलिस प्रशासन पिछले 4 महीने से इलेक्शन की तैयारियों में लगा हुआ है, उसी को एक और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अपने अभी पूरा जो पुलिस है वो मुस्तैदी में आ गई है। और ये आज ये पूरे शहर भर में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। ये एक मैसेज है हर एक उस गुंडा तत्व को जो इलेक्शन में तक कोई गड़बड़ी ना कर सके, उसको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और एक जो आम पब्लिक है उसमें एक मैसेज दिया जा सके कि पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है, किसी भी तरीके से किसी भी गुंडा तत्व को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद देवास में मक्सी रोड पर RTO और यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 20 चार पहिया वाहन, 2 स्कूल बस जब्त की गई, कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। दरअसल आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्त है। इस दौरान ऐसे वाहनों को टारगेट किया गया जिन पर नंबर प्लेट नहीं थे, झंडे लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे। आदर्श आचार संहिता के तहत हम लोग जो भी अनाधिकृत रूप से प्लेट लगी है, नंबर प्लेट, हूटर्स और झंडे वगैरह लगे हुए हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हम लोग स्कूल बसेस और मैजिक और ओवरलोडिंग पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। आज कितने चालान बनाए गए और कौन कौन सी गाड़ी थी? आज लगभग 15-20 मैजिक हम लोगों ने जब्त किए हैं, 2 स्कूल बसेस जब्त करी है, बाकी जो प्लेट वगैरह मिली उन पर चालानी कार्रवाई की गई है। इधर रायपुर में कांग्रेस की मीटिंग राजीव भवन में लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। कुमारी शैलजा इसमें है, इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अजय माथन वो भी जुड़े हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के जो बाकी सदस्य हैं वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, राजीव भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। नाम यहां से फाइनल करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए जाएंगे और इसके बाद आलाकमान की सहमति के बाद इसे जारी किया जाएगा।
तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है रायपुर में, राजीव भवन में ये बैठक चल रही है। तकरीबन 10 बजे के आसपास ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी बैठक का दौर लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा वो मौजूद हैं, बाकी स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अजय माकन वो जुड़े हुए हैं। इधर इंदौर में पकड़े गए नकली नोट गिरोह के सरगना ने बड़ा और नया खुलासा किया है। उसने पुलिस को यह बताया कि वो नोट की डिलीवरी देने के बाद सामने वाली पार्टी से नोट को हल्दी के पानी में निकालने को कहता था। आरोपी ने पूछताछ में कई खुलासे किए। उसने बताया कि वो नोटों की डिलीवरी चार्टर्ड बस की सहायता से करता था। 500 और 100 के नोट छापने के बाद भी वो डिलीवरी देने जाता था तो सामने वाली पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन करता था। पुलिस को एक स्पाई कैमरा और एक फोटो कैमरा आरोपी के पास से बरामद हुआ है। फर्जी किस किस ने देखी है? फर्जी हमने देखी है ना, उसमें आर्टिस्ट रहता है ना? हाँ सर, वो प्योर आर्टिस्ट रहता है। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस जगह जगह एक्शन में है। मुरैना के बानमोर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से देसी अधिया बंदूक, नौकट्टे, 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया, सघन पूछताछ इनसे की जा रही है। पकड़े गए तस्कर सिंगल बस्ती जौरा के गब्बर जाटाव और मुरारी जाटाव हैं। हथियारों को लेकर ये मुरैना की तरफ जा रहे थे और तभी इन्हें पकड़ लिया गया। देखा तो वो इधर उधर भागने लगे, घेराबंदी करके उनको पकड़ा। उनके पास में एक बोरी थी, उस बोरी को जब खोल के देखा गया तो उसमें 11 फायर आर्म्स उसके अंदर मिले और 11 जिंदा राउंड मिले। ये लोग यही लोकल के हैं और जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत के ये लोग रहने वाले हैं। छतरपुर में पुलिस ने अवैध पटाखे के भंडारण पर छापे की कार्रवाई की है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके के सागर रोड पर राधिका कॉलोनी का, जहां सूचना पर एसडीएम और सीएसपी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर दबिश दी। मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। 200 कार्टन पटाखे के जब्त किए गए और कीमत 20 लाख से ज्यादा आंकी गई है। विस्फोटक सामग्री पाई गई है, इसमें पटाखा है और देसी और चाइनीज होने की संभावना है। अभी इसकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, इसमें घंटे दो घंटे लगेंगे। लगभग 200 कार्टून पटाखा अवैध रूप से रखा हुआ है। सर कितनी लाख, कितने रुपए की? लगभग अभी तो आकलन किया जा रहा है, लगभग अभी तो बता रहे हैं कि 20-25 लाख का है और इसकी कीमत और ज़्यादा भी हो सकती है। किसके यहाँ छापा मारा है सर? ये राधिका कॉलोनी में एक अनिल अग्रवाल हैं, उनके यहाँ है। रतलाम के जिला अस्पताल के डॉक्टर के साथ बदसलूकी और गाली गलौज का मामला सामने आया। देवास जिले के बागली विधानसभा से भाजपा विधायक पर ये आरोप लगे हैं। इन्होंने फोन पर सरकारी डॉक्टर प्रणय मोदी के साथ बदसलूकी की, गाली तक दे दी। अपने साथ हुए इस व्यवहार से डॉक्टर बेहद आहत है। पूरा मामला मेडिकल के एक छात्र की अटेंडेंस से जुड़ा है। उसकी अटेंडेंस कम थी, लिहाजा अटेंडेंस बढ़ाने के लिए बागली के भाजपा विधायक से आरएमओ प्रणव मोदी को फोन लगवाया, लेकिन फोन पर मामला उलझ गया। विधायक ने डॉक्टर को गाली तक दे दी। यादव जी ने उक्त नंबर पर बात करी एवं जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि ये मुझे बागली विधायक महोदय के द्वारा धमकी दी गई, एक डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम के स्टूडेंट की अब्सेंट होने के बावजूद भी प्रेजेंट लगाने के लिए उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। तो मेरे द्वारा कहा गया कि भाई यदि स्टूडेंट के 90 दिन की ड्यूरेशन पूरी हो जाती तो हम अपने आप ही स्वतः ही उनको दे देते हैं। एक आरएमओ के द्वारा एक शिकायत की गई है जिसके अंदर उसके द्वारा बताया गया है कि कोई बागली विधायक के द्वारा जो है वो उसके साथ में बदतमीजी से बात की गई है। आवेदन लिया है, शिकायत की जाँच कर रहे हैं। जो भी जाँच के दौरान पाया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्यवाही करेंगे। खंडवा में कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो सुर्खियों में है। ये दरअसल सिर्फ सुर्खियों में नहीं है, आगे आने वाले इस तरह के मसलों में नजीर भी बनेगा। एक महिला ने दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई, जब मामले की जांच हुई तो कोर्ट में उसका झूठ पकड़ा गया। अब महिला पर केस चलेगा और जो सजा एक बलात्कारी भुगतता है अब वही सजा महिला को भुगतनी पड़ेगी। मामला खंडवा के पिपलौत थाना इलाके का। 51 वर्षीय महिला ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप दर्ज करवाया। बयान के आधार पर शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कोर्ट में बार बार बदलने के कारण झूठ पकड़ा गया और अब महिला पर झूठ बोलने के मामले में केस चलेगा।
लीता के जब बयान हुए थे तब उसने मुख्य परीक्षा में अभियोजन घटना का समर्थन किया था, लेकिन प्रतिपरीक्षण में उसका ये कहना था कि उसके पति और बेटे ने उसके साथ मारपीट की थी, इसलिए उसने मजबूरी में रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद में न्यायालय ने फिर उसको कॉल किया था दूसरी बार, तब उसने कोर्ट में आकर के बताया कि वो अभी वर्तमान में आरोपी के साथ ही पत्नी के रूप में रह रही है, और उसने कोर्ट में यही बताया कि उसके साथ ऐसी कोई घटना दिनेश ने नहीं की थी। खबर रतलाम से, जहां 85 लाख की गोल्ड ज्वेलरी पकड़ी गई है। मुंबई के युवक से ये जेवरात जब्त किए गए हैं। जीआरपी रतलाम की पुलिस कार्रवाई कर रही है, आयकर विभाग इसकी जांच कर रहे हैं, बाकी के जो महकमे जुड़ते हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ये युवक पकड़ा गया, मुंबई जाने की फिराक में था, उससे पहले ही ये पकड़ा गया। चेकिंग उस दौरान चल रही थी, दस्तावेज पूछे गए, पर्याप्त दस्तावेज ये दिखा नहीं पाया और इसे पकड़ लिया गया। जीआरपी रतलाम की कार्रवाई। और विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण के पहले ही रीवा और मऊगंज जिला कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी नजर आने लगी है। यहां पर पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। दरअसल विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही पार्टी के कई पदाधिकारी और सक्रिय सदस्यों ने पार्टी समेत सभी दायित्वों से अपना इस्तीफा दे दिया है। पिछले 3 दिनों से जारी इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा है, इसके बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस्तीफे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज के समर्थन में दिया जा रहा है। इन्हें त्योथर विधानसभा से टिकट मिलने की संभावना थी, अब संशय है। जनसेवा का मार्ग माना था मैंने, राजनीति को अपना सब कुछ माना था कांग्रेस पार्टी को, और आज बड़ा दुखित हूं कि पार्टी में वो लोग जो आज 40-50 वर्ष से जिनका परिवार है उनको अनदेखा किया जा रहा है, और जो बाहरी दल से आए हैं वो हमारी पार्टी को चला रहे हैं, वही सर्वे दे रहे हैं, उन्हीं को सब चाहिए। बीच में सोशल मीडिया में मेरे को किसी ने दिखाया, पहली चीज़ तो सोशल मीडिया में इस्तीफे का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी मेरे को व्हाट्सएप पे जो मैंने आपके कहने पे जो देखा और पता चला इस्तीफा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भावनात्मक तरीके से उन्होंने आवेश में इस्तीफा दे दिया है। जब मेरी उससे पर्सनल व्यक्तिगत चर्चा हो तब मैं उस पर कोई बयान दे सकता हूँ। स्वतन शर्मा को कांग्रेस पार्टी का सदस्य मैंने बनाया। खबर टीकमगढ़ से, जहां जिला अस्पताल में बोरवेल की सफाई के दौरान प्लंबर को एक नवजात शिशु का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि नवजात का शव किसी ने बोरवेल के चैंबर में फेंका होगा। तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने पंचनामा बनाया। इस नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके शव के नाड़े पर ब्लू रंग का टैग भी लगा है। आशंका यह है कि इसकी डिलीवरी जिला अस्पताल में ही हुई है। फिलहाल पुलिस इस केस की पड़ताल कर रही है। ओबीडी के सामने कैंपस में एक छोटा सा वो जो पाइप लाइन का वो है चैम्बर, उसमें था वो बच्चा। तो वो जो गार्ड वाला है उसने हमें सूचित किया है, उसके ऊपर हम उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई लिखा पड़ी करते हैं जो भी उचित होगा। कोई अज्ञात महिला है जिसको वो स्कूल आवर सालन छोड़ के उसकी पहचान छुपाने के हिसाब से उसको छोड़ के चली गई, उसमें कार्रवाई। पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार है। टाइगर रिजर्व के कोर और बफर इलाके में 80 से ज्यादा बाघ विचरण कर रहे हैं। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में अब 3 गेटों से एंट्री शुरू हो चुकी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को बाघों के दीदार आसानी से हो रहे हैं। पर्यटकों को एक नहीं, दो नहीं, 5 बाघ पानी में अटखेलियां करते मिले हैं। इस रोमांचित करने वाले वीडियो को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया जो अब लगातार वायरल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।